हाउस प्लान डिज़ाइन 3 बेडरूम का, ठीक है, 27 फीट 0 इंच एंड 38 फीट 0 इंच। तो 27 × 38 इसका मतलब, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे कैसे। देखिए आउटसाइड का जो यहाँ पर आप ड्राइंग देते हैं, आउटसाइड का जो प्लान और ये जो वॉल है, इसका वॉल का जो यहाँ पर हम विंडो प्रोवाइड करेंगे, इधर हम विंडो प्रोवाइड करेंगे, तो जहाँ पर विंडो आएगा हम पहले वहीं पर देखिए विंडो का पार्ट ऐसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो पीछे कोई विंडो हम नहीं रखेंगे, आपके पास ऑप्शन है तो आप पीछे में विंडो का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर विंडो कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे जो प्लान वाइज, देखिए यहाँ पर जो वॉल हम ऐसे यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। वॉल ऐड करने के बाद यहाँ पर जो देखिए 5-10 इंच का जो वॉल है आउटसाइड में, हमने ऐसे रखा है इसलिए आपको थोड़ा सा इसको वाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके, ऐसे हम रखा है इधर, ऐसे इधर से भी हम ऐसे रखेंगे, ओके। नेक्स्ट इधर जो वॉल ऐसे ऐसे दिखाई देगा, इसके बाद इसके अंदर हम देखिए कहाँ पर 10 इंच वॉल है आउटसाइड का जो वॉल, इसमें आपको आउटसाइड का वॉल इधर आएगा क्योंकि यहाँ पर पोर्च आएगा, फ्रंट में पोर्च का बरामदा यहाँ पर एक हमने ओपन रखा है, इसलिए यहाँ पर भी हमें 10 इंच का वॉल ऐसे दिखाई देगा, ओके। उसके बाद हम जाएंगे इसका जो इंटरनल वॉल, यहाँ पर देखिए 5 इंच हमने यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ओके, ऐसे। तो 5 इंच और 10 इंच का जो इसका जो देखिए पार्ट है यहाँ पर हमने ऐसे दिखाया कलर करके, जो आपको समझ में आ जाए कहाँ पर आपको 5 इंच 125 mm का वॉल और कहाँ पर आपका 10 इंच का वॉल रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पर विंडो आएगा हम यहाँ पर ऐसे मार्कर से ऐसे हाईलाइट कर देंगे, तो आपको इधर भी एक समझ में आ जाएगा कहाँ पर आपको विंडो और वेंटिलेटर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर विंडो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर डोर प्रोवाइड करेंगे, जो डोर आपको घर के अंदर आने का ऑप्शन यहाँ पर कर देगा। तो यहाँ पर देखिए 3 फीट वाइड डोर, यहाँ पर 2 फीट 6 इंच वाइड डोर, यहाँ पर आपको 3 फीट वाइड डोर और यहाँ पर 3 फीट वाइड डोर ऐसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो देखिए मेन गेट, दो टाइप का डोर हो सकता है आपके पास, तो हम इधर ऐसे डोर का पोजीशन रखेंगे, ओके, सेंटर में ऐसे और ऐसे, ओके। यहाँ पर हम मेन जो है गेट इधर प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा पोर्च, इधर से आपको एंट्री, ओके, यहाँ पर डोर, यहाँ पर आपको बेड रूम या गेस्ट रूम। देखिए इसका जो इधर जो है स्टेयर हम इधर से आप रखा है, तो इसका जो टॉयलेट हम यहाँ पर इधर इसके नीचे जो स्टेयर के नीचे लैंडिंग के नीचे आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर जो है किचन, ओके, यहाँ पर डोर, यहाँ पर डोर, यहाँ पर हम बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर बाथ प्लस लैट्रिन, और इसके नीचे जो जगह मिलेगा आपको लैंडिंग, इसके नीचे आप
क्या कर सकते हैं, टॉयलेट ऐड कर सकते हैं स्टेयर के जो लैंडिंग इसके नीचे। ओके, तो हम इसका जो यहाँ पर देखिए ड्राइंग प्लस डाइनिंग हॉल यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो बाकी जगह है। ठीक है, तो आउटसाइड का जो वॉल यहाँ पर 10 इंच वॉल आपको मिल जाएगा, इनसाइड में आपको 5 इंच वॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका मेजरमेंट देखिए 12 फीट 0 इंच 10 फीट। गेस्ट रूम का जो टॉयलेट इसके नीचे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस 6 फीट 10 इंच वाइड आपको मिलेगा, इधर आपको 6 फीट 8 इंच का गैप मिलेगा। ओके, यहाँ पर ट्रेड राइजर ट्रेड आपको 10 इंच राइजर आपको 6 इंच हाइट में मिलेगा, यहाँ पर जो पोर्च 6 फीट 1 इंच वाइड मिलेगा, यहाँ पर जो है 10 फीट 5 इंच। यहाँ पर विंडो देखिए, इसके अंदर हमने विंडो हम यहाँ पर दिखाएंगे ऐसे विंडो, यहाँ पर वेंटिलेटर विंडो 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 और विंडो। ओके, तो किचन का जो मेज़रमेंट यहाँ पर 8 फीट और इधर 7 फीट। उसके बाद यहाँ पर जो ओपन एरिया है इसका जो मेज़रमेंट 8 फीट 6 इंच वाइड, लैट्रिन बाथरूम यहाँ पर 8 फीट एंड 5 फीट। ओके, 3 फीट वाइड मिलेगा इधर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो डिस्टेंस है तो यहाँ पर देखिए 7 फीट 1 इंच इधर का डिस्टेंस। ओके, इधर जो डिस्टेंस है 9 फीट 10 इंच इधर से इतना तक, और इधर का जो डिस्टेंस है इधर 16 फीट 11 इंच। उसके बाद बेडरूम का जो डिस्टेंस यहाँ पर 12 फीट 6 इंच वॉल टू वॉल डिस्टेंस या मेज़रमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा 11 फीट 0 इंच, इधर भी आपको मिलेगा 11 फीट 0 इंच एंड इधर 12 फीट 5 इंच। ओके, तो आउटसाइड इनसाइड वॉल आपको मिल गया, तो आपका जो एक्चुअल जो मेज़रमेंट आएगा 27 फीट इंटू 38 फीट। ओके, टोटल स्क्वायर फीट 1026 स्क्वायर फीट, बिल्डिंग कॉस्ट 20 लाख प्लस आपको आ जाएगा। ठीक है, तो प्लान और डिज़ाइन आपको देख लिया है, तो इसके बाद आपको जो वॉल हमने दिखाया है प्लान और डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, कुछ चेंज और ऐड करना है तो आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही था प्लान।